बावलोग ड्यून प्रोफेसी का फर्स्ट एपिसोड ड्रॉप हो चुका है। सॉरी मैं बहुत लेट हो गया हूँ। चलो बात कर लेते हैं फटाफट कि ड्यून प्रोफेसी यूनिवर्स की आखिर शुरुआत कैसे करी है मेकर ने। क्या ये कन्विंसिंग है जिसके लिए इतना लंबे समय से हम वेट कर रहे थे? क्या टाइम खर्च करने के लायक है ये वेब शो? तो अभी फटाफट सभी चीजों पर बात कर लेते हैं। बाबा एपिसोड की शुरुआत होती है सिस्टरहुड के एस्टेब्लिशमेंट से, और यस इस सीरीज में यही दिखा रखा है कि सिस्टरहुड कैसे अपना एस्टेब्लिशमेंट ड्यून यूनिवर्स में बना के रखती है। और देखा जाए तो ये यूनिवर्स पूरा सिस्टरहुड ही चला रहा है। एक ऐसा विचेस का ग्रुप जहां लेडीज को ट्रेनिंग दी जाती है मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस की भी, मैजिक पावर कंट्रोल की, माइंड रीडिंग की, किसी का झूठ कैसे पकड़ना है उसकी ट्रेनिंग, यहां तक कि कैसे पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल बनाया जाएगा। क्योंकि आगे जो रूल करने वाले हैं वो हैं सारे ग्रेट हाउस, और जब ग्रेट हाउसेस का शासक ही बढ़िया रहेगा तो प्रजा अपने आप ही बढ़िया रहेगी और कंट्रोल में रहेगी। तो यस इस एडवांस हाई एजुकेटेड विचेस को ही सिस्टरहुड कहा गया है, जिसकी शादी आगे ग्रेट हाउस के शासकों से कराई जाएगी। इसी के साथ साथ जो मेन शासक सलाहकार भी रहेंगी वो सिस्टरहुड में से कोई एक ही रहेगी, यानी उनकी मेंबर, ताकि पॉलिटिकल अफेयर एंड सोशल अफेयर पर भी लगातार नजर बनी रहे। ये सब इतनी सख्ती से इसलिए भी चल रहा है क्योंकि जो इनकी सुप्रीम मदर सिस्टर रकेला थी, उनके द्वारा एक सॉलिड विजन आया जिसे प्रोफेसी कहकर एड्रेस किया जाएगा, जहां पॉल एट्रेडिस जो 10,000 साल बाद ड्यून मूवी में तबाही मचाते नजर आया, जो हमने मूवी में भी देखा ही था लास्ट में कैसे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसे शासक को रोकने के लिए सिस्टरहुड का न्यू इवोल्यूशन आपको इस एपिसोड में देखने को मिलते रहेगा, ताकि इन फ्यूचर कभी ऐसा शासक होता है तो सिस्टरहुड की नजर में रहे और कंट्रोल में भी रहे। ड्यून प्रोफेसी की कहानी टेक प्लेस करती है आफ्टर द हैवी एआई मशीन वॉर अगेंस्ट ह्यूमन, जहां भी ह्यूमन ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जहां वो सिर्फ अनकंट्रोलेबल ना हो, मतलब सिर्फ कंट्रोल में रहे। वैसे तो इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला इस एपिसोड में, बस स्टोरी बिल्डअप लेकर गया है जो एक बार के लिए आप लोगों को स्ट्रेची फील भी करा सकता है। कोरिनो हाउस जो सभी ग्रेट हाउसेस के ऊपर राज करता है और उन्हें कंट्रोल करता है, बाकी मेन फोकस कोरिनो का एरेकिस प्लेनेट को कंट्रोल करने के लिए है, जहां फ्रेमेंस ने इनकी धज्जिया उड़ा रखी है और इंपीरियल आर्मी की नाक में दम भी कर रखा है, क्योंकि इंपीरियम को अपनी वेल्थ चलाने के लिए स्पाइस की जरूरत है, वरना बाकी के ग्रेट हाउस कोरिनो को कमजोर समझने लग जाएंगे, जिनकी पकड़ सारे हाउसेस के ऊपर मजबूत है। हाउस कोरिनो रूल करता है प्लेनेट कैटेन से, जिनकी होमलैंड है सालुसा स्कंडस। बाकी मेजर हाउस फर्स्ट एपिसोड में जो इंट्रोड्यूस करे गए हैं वो हैं हाउस एट्रेडिस, हाउस हार्कोनन एंड हाउस रीचेस। एंड इस एपिसोड में मेजर इवेंट हाउस कोरिनो और हाउस रीचेस के बीच मैरिज सेरेमनी को देखने को मिलता रहेगा, जिनके ऊपर निगरानी सिस्टरहुड्स की भी रहती है, क्योंकि प्रिंसेस येनेज काफी कैपेबल एंड सातिर लड़की है जिसे सिस्टरहुड में ट्रेनिंग के लिए स्लॉट दिया जाना है। नाउ अगेन बैक टू द सिस्टरहुड्स, जहां वालिया हार्कोनन मदर रकेला की काफी ब्राइट एंड शार्प स्टूडेंट थी। उनके मरने के बाद सिस्टरहुड का इंचार्ज वालिया हार्कोनन को बनाया जाता है, जिसने इस विचेस को स्कूल चलाने के लिए बहुत हद तक अपनी टायरेनी का इस्तेमाल किया, बहुत सख्ती से इस स्कूल को रूल करती है। एकदम निर्दयी टाइप की ये बंदी देखने को मिलेगी आपको, जो अपनी बहन तुला हार्कोनन के साथ इस स्कूल को रन करती है और तुला हार्कोनन को भी ये बिल्कुल एवं ही ट्रीट करती है, जो अपनी इन विचेस के द्वारा पूरे ड्यून यूनिवर्स में पकड़ बना के रखना चाहती है और जितनी भी रूलर हैं उन्हें अपने इशारों पर नचाना चाहती है। और आपको फर्स्ट एपिसोड में ये नजर भी आएगा जहां वालिया की खास स्टूडेंट कासा इंपीरियन फैमिली यानी कोरिनो फैमिली की मेन ट्रुथ शेयर है। ट्रुथ शेयर वो होते हैं जो किसी भी इंसान के माइंड को, स्टेज को रीड करते हैं कि ये सच बोल रहा है या नहीं, और सिस्टरहुड्स में बेस्ट पोजीशन ट्रुथ शेयर की ही है, जिन्हें काफी कड़ी परीक्षा के तहत मेन ट्रुथ शेयर बनाया जाता है। जहां तक फर्स्ट एपिसोड से मैं यही समझ पाया हूं, या तो इस सिस्टरहुड की फैमिली से किसी भी रूलर की वाइफ बना दो, या फिर उन रूलर की इन विचेस को ट्रुथ शेयर बना दो ताकि निगरानी बरकरार रह पाए। एंड तभी इंट्रोड्यूस होता है हम सबका फेवरेट ट्रेविस फिमेल उर्फ रेगनार लॉथब्रुक, एंड यहाँ इसका नाम है डेसमंड हार्ट, जो इंपीरियन फैमिली का एक सैनिक है जो अभी अभी अराकिस की वॉर से बचकर आया था, जहां कंट्रोल के लिए एक टुकड़ी अराकिस भेजी गई थी और ये उन्हीं में से एक मात्र सर्वाइवल सैनिक था। और याविको कोरिनो को पूरा स्टेटस देता है कि वहां हुआ क्या आखिर, और ये करीबन 12 बार अराकिस के फ्रेमन योद्धाओं से सर्वाइव करके आ चुका है, जिसको अब इंपीरियम में ही एक अच्छे पद पर रखने की बात करी जा रही है। इसी बीच हमें इंट्रोड्यूस होता है कॉन्स्टेंटाइन का कैरेक्टर, जो इंपीरियन फैमिली के प्रिंस है यानी याविको कोरोनी का बेटा, और अपनी बहन नेच के लिए विचेस स्कूल में जांच पड़ताल करने गया था, जिसकी मुलाकात मदर वालिया हार्कोनन से होती है। और कॉन्स्टेंटाइन का कहना था कि इस स्कूल में उसकी सिस्टर को अलग से एजुकेट किया जाए, क्योंकि वो हाई बॉर्न प्रिंसेस है तो उन्हें बाकी के लोगों के साथ इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जहां वालिया कॉन्स्टेंटाइन को खरी खोटी सुनाएगी लाइक ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। इसी बीच इंट्रोड्यूस होता है किरेन एट्रिडिस का कैरेक्टर,
डॉक्टर जो दरअसल प्रिंसन नेच का पर्सनल ट्रेनर उर्फ स्वॉर्ट्समैन है और जो एट्रिडिस एंड हार्कुनन हमें ड्यून में काफी पावरफुल देखने को मिले थे, बाबा उनको इंपीरियम में यानी कोरिनो फैमिली में नौकरों की तरह ट्रीट करा जाता है। लेकिन मार्क स्ट्रॉन्ग का मेन रूलर का कैरेक्टर इस ड्यून यूनिवर्स का, ये देखकर मजा आ जाएगा आपको। और आपको बता दूं, अपने स्वॉर्ट्समैन उर्फ केरन एट्रिडिस के साथ प्रिंसेस नेच का चक्कर भी चलता है, जहां में एक पॉइंट पर ये दोनों नंगे पुंगे होकर गंदी गंदी हरकतें भी करते दिखे थे। पता नहीं नेच क्यों स्वॉर्ट्समैन के ऊपर चढ़ के उछलते नजर आई थी हमें, आई डोंट नो। तभी थोड़े से देर के लिए इंट्रोड्यूस होता है हैरो हार्कनन का कैरेक्टर, और बस ये इतना ही था। तभी हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस नेज और हाउस रिचेस के 9 साल का प्रिंस के बीच में शादी फंक्शन लगातार जो चल रही है, और एक बच्चे के साथ नेज की शादी अजीब लगेगा तुम्हें एक बार के लिए। और ये अजीब सेरेमनी इसलिए भी चल रही है क्योंकि अपने रूलर याविको कोरिनो को अराकिस पर अच्छा कंट्रोल चाहिए, और प्रिंसेस नेज याविको की बेटी है यानी मेन रूलर उर्फ इंपीरियन फैमिली की प्रिंसेस, जहां हाउस रिचेस के पास बेहतरीन वॉर आर्मी है और अराकिस पर अच्छी पकड़ भी है। दैट्स व्हाई कि इंपीरियम की ताकत बढ़ाने के लिए ये अजीब शादी का संगम सेट करा जा रहा है, जहां फर्स्ट टाइम वो AI टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जिसकी वजह से वो ग्रेट मशीन वॉर सिचुएट हुआ था, एंड तभी डेस्मन हार्ट का कैरेक्टर उस छोटी सी मशीन को मार देता है। इसी बीच सिस्टर कासा को नेच के लिए कुछ नेगेटिव वाइब भी आई, जो उसके ड्रीम में बुरी तरीके से फेल भी हुई क्योंकि उसकी शादी को लेकर ये गलत संकेत थे, वो भी उस बच्चे के साथ। और सिस्टर कासा यही चीज वालिया को समझाने स्कूल जाती है और वालिया को समझाने की कोशिश भी करती है ताकि ये शादी रुक सके, बट वालिया को ये सब नहीं रोकना था। और तभी डेस्मन हार्ट का कैरेक्टर रिचेस के साथ देखने को मिलता है, और तभी जिस AI टॉय के साथ वो खेल रहा था और अचानक प्रिंस जलने लगा, एक अजीब सी पावर ने सिर्फ प्रिंस को ही जलाकर भुनाकर नहीं मारा बल्कि कासा को भी सेम जलाकर भूनकर मारा, जैसे आग उनके अंदर से निकल रही हो, और बड़ा भयानक सीन था वो भाई, मजा आएगा आपको ये देखकर। लेकिन इन दोनों को मारने के पीछे यहां डेस्मन हार्ट का ही है, बट डेस्मन हार्ट एक आर्मी वॉरियर है लेकिन ये विचेस वाली हरकतें कब से करने लगा, और इसी मिस्ट्री के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो बाबा ये था रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्यून प्रोफेसी फर्स्ट एपिसोड के लिए, बाकी बहुत से हिडन डिटेल्स एंड थ्योरी जी एपिसोड छोड़कर चला जाता है हमारे सामने, तो आगे की और बातें ब्रेकडाउन एंड एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में भी कर लेंगे। देखते हैं अपने डेस्मन हार्ट का कैरेक्टर आगे की कहानी के लिए कितना ब्रूटल एंड सैवेज होने वाला है, और डेस्मन हार्ट भला क्यों सिस्टरहुड से इतनी नफरत करता है। मिलते हैं बाबा अगली वीडियो में। बाकी जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बाबा ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको वहां बहुत कुछ मिल जाता है बिना मेहनत करे। बाकी हाँ, इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, कहीं ना कहीं उसकी भी जरूरत पड़ जाएगी। यहाँ तक पहुँच गए तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ड्यून प्रोफेसी से रिलेटेड कोई भी और भी सवाल हैं आपके मन में तो जरूर बता के जाना, किस कौन से पार्ट पर और ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक जितने भी हाउसेस इसमें इंट्रोड्यूस करे जाएंगे उनके ऊपर वीडियो बनाई जाए। बाकी मिलते हैं बाबा, जय हिंद।